Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर 1, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस इस मामले में आरोपी शूटर विक्की के 5 करीबियों को बेतिया से उठाकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने आरोपी विक्की के पिता से भी लंबी पूछताछ की है. बताया जाता है कि सोमवार रात मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बेतिया जिले के गुनाहा के मसीही गाँव पहुंची और पूछताछ के लिए शूटर विक्की के करीबी 5 लोगों के परिवार को नोटिस सौंपा और सभी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई. नंबर 2, सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग किए जाने के मामले में जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है. ऐसे में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की एक टीम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की अगुवाई में सूरत पहुंची और सूरत, विकी गुप्ता और सागर पाल की निशानदेही पर उन्होंने तापी नदी में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की. 22 अप्रैल की सुबह 7 बजे से शुरू होकर यह ऑपरेशन अगले दिन यानी 23 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक चला और आखिरकार पुलिस ने नदी की गहराइयों से शूट आउट में इस्तेमाल असले की बरामदगी में कामयाबी पाली है. पुलिस को नदी से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस मिले हैं. नंबर 3, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म थलाइवर 171 का टाइटल कूली रखा गया है और मेकर्स ने हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया है. इस फिल्म के टीजर में दिखाया गया है कि रजनीकांत विलन के छक्के छुड़ा रहे हैं. फिल्म कूली का टीजर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. फिल्म के टीजर में साफ दिख रहा है कि रजनीकांत एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं. रजनीकांत जब भी किसी भी फिल्म में नजर आते हैं तो फैंस का दिल जीत लेते हैं. नंबर 4, आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल के पहले और दूसरे पार्ट को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया है. अब खबर आ रही है कि इस फिल्म का तीसरा पार्ट बनने के लिए तैयार है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ड्रीम गर्ल पार्ट 3 में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान नजर आने वाली है. गौरतलब है कि ड्रीम गर्ल में नुसरत भरूचा और ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे दिखाई दी थी. नंबर 5, शाहरुख खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे उनके फैंस के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा हो जाने वाली है. दरअसल शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान की फिल्म किंग में डॉन का रोल अदा करते हुए नजर आने वाले हैं. सुहाना खान की इस फिल्म को सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं. इस तरह से शाहरुख खान को फैंस एक बार फिर डॉन के रोल में देखने वाले हैं. कहा जा रहा है कि जल्द ही इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जाने वाली है. नंबर 6, विकी कौशल की फिल्म छावा द ग्रेट वॉरियर जब से अनाउंस हुई है तब से चर्चा में बनी हुई है. लक्ष्मण उत्तेकर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म के सेट से विकी कौशल का लुक वायरल हो रहा है. फिल्म से विकी कौशल का लुक देखकर फैंस सुपर डुपर एक्साइटेड हो गए हैं और जमकर विकी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. फिल्म छावा द ग्रेट वॉरियर में विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में दिखाई देने वाले हैं. नंबर 7, शाहरुख खान की फिल्म जवान के गाने जिंदा बंदा पर साउथ स्टार मोहनलाल का डांस वीडियो वायरल हो रहा है. शाहरुख खान ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर लिखा है कि मोहनलाल सर, इस गाने को मेरे लिए और भी खास बनाने के लिए शुक्रिया. जितना शानदार डांस आपने किया है, काश उसका आधा भी मैं कर पाता. लव यू सर, और मैं घर पर आपके साथ डिनर करने का इंतजार कर रहा हूँ. जिंदा बंदा के ओजी हैं आप. नंबर 8, तेलुगु सिनेमा जगत की एक एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरस्टार प्रभास ने तेलुगु फिल्म निर्देशकों के एसोसिएशन को 35 लाख रुपए का दान दिया है. यह अभी तक दान दी गई रकम में से सबसे ज्यादा बड़ी रकम है जो किसी स्टार हीरो ने दान दी हो. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर की पुष्टि प्रभास स्टारर फिल्म राजा साहब के निर्देशक मारुति ने भी की है, जिसके बाद प्रभास के फैंस की एक्साइटमेंट चरम पर है. इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि प्रभास इससे पहले भी कई प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनी ओर से रकम दान कर चुके हैं. नंबर 9, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की जानी मानी एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जो कि इंटरनेट वर्ल्ड में तेजी से वायरल हो रही है. सामने आई इन तस्वीरों के जरिए प्रीति जिंटा अपने फैंस को ये बता रही है कि लाहौर 1947 की शूटिंग शुरू हो गई है. बता दें कि इस फोटो में प्रीति जिंटा के साथ डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी नजर आ रहे हैं. प्रीति जिंटा और राजकुमार की ये फोटोज इंटरनेट पर काफी तेजी से फैलाई जा रही है. नंबर 10, द ग्रेट इंडियन कपल शो के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर रिवील हो चुका है. प्रोमो में आमिर खान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. द ग्रेट इंडियन कपल शो के प्रोमो में आमिर खान कपिल शर्मा और उनकी टीम के साथ खूब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फिर सवालों जवाबों के बीच आमिर खान से अर्चना पूरन सिंह पूछती है कि अवार्ड लेने क्यों नहीं जाते हो तुम. इस पर आमिर खान कहते हैं, वक्त बहुत कीमती है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए. नंबर 11, डांस दीवाने शो का प्रोमो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित का डांस देखने को मिला है. ये परफॉर्मेंस इतनी धासु थी कि सुनील शेट्टी भी स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं. ये गाना है यश चोपड़ा की साल 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है का. ये फिल्म उस साल ब्लॉकबस्टर रही थी. फिल्म में माधुरी और करिश्मा के ऑपोजिट लीड रोल में शाहरुख खान नजर आए थे. ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
नंबर 12 विजय देवरकोंडा अपने बॉडीगार्ड की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे, जहां उनका स्वागत बेहद खास अंदाज में किया गया। विजय देवरकोंडा ने हाथ में तलवार लेकर दुल्हे राजा के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा का बॉडीगार्ड के वेडिंग रिसेप्शन में जाने का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जो तेजी से सोशल मीडिया यूजर्स के बीच में वायरल हो रहा है। नंबर 13 प्रशांत वर्मा ने हनुमान जयंती के दिन फिल्म जय हनुमान का नया पोस्टर शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया है। पोस्टर ने फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। नए पोस्टर में हनुमान जी को एक ड्रैगन के सामने मजबूती से खड़े हुए दिखाया गया है, जो उनकी अटूट वीरता का ही परिचय देता है। अपने वादे को निभाते हुए प्रशांत ने सिर्फ ड्रैगन को स्क्रीन पर लाने के अपने फैसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि दर्शकों को IMAX 3D में फिल्म का अनुभव भी करवाने वाले हैं। नंबर 14 कंगुआ के बजट को लेकर चौंकाने वाली डिटेल सामने आ गई है। इस फिल्म में सूर्या लीड रोल में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये साल की सबसे महंगी फिल्म हो सकती है। मेकर्स इसे सुपरहिट करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसका बजट 350 करोड़ से भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगुआ का बजट इस साल की सिंघम अगेन और पुष्पा द रूल जैसी दूसरी बड़ी फिल्मों से भी कई गुना ज्यादा है। एंड नंबर 15 कार्तिक आर्यन सारथ चंदू चैंपियन साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में एक्टर एथलीट का किरदार निभाने वाले हैं। चंदू चैंपियन को और भी खास बनाने के लिए कार्तिक आर्यन की मौजूदगी और उनका शानदार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन काफी है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से पहले सुपरस्टार की अपीयरेंस को सीक्रेट रखा है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जारी हुई तस्वीरों से हम कार्तिक आर्यन को बिल्कुल नए लुक में देख सकते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।